Hi guys, welcome back to my channel. This side Amisha here, my SHA. So it's a new day with another vlog. और guys, मैं अभी हूँ टेरिस पे. So it's a sneak in my best friend's house. तो उसको आइडिया नहीं है, कल उसका बर्थडे है. उसको कोई आइडिया नहीं, वो मेरे से लड़ चुकी हुई है. तो मेरे पास अच्छा मौका था, उसको कुछ नहीं पता लगता कि मैं उसको सरप्राइज करने लगी हूँ. तो अभी मैं उसके घर स्नीकिंग कर चुकी, वो मंदिर गई थी. तो ये इसके भाई ने मुझे स्नीकिंग करने में हेल्प की, और आंटी को मैंने फ़ोन कर दिया था कि मैं अपनी गाड़ी पीछे लगा रही हूँ. तो अभी हम करने लगे डेकोर. यहाँ पे अंधेरा बहुत है, तो मेरे को नहीं लगता वो कुछ दिखेगा. ये भी मैंने अभी कोई लाइट लगाई हुई, LED की लाइट चल रही है. सो लेट्स गो डेकोर करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ. और अभी कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं मोस्टली. तो अभी मैं आई हूँ, अभी इसको मैं 12 बजे तक तो नहीं मिलने वाली हूँ. ठीक है, तब तक हम डेकोर वगैरह करते हैं. खाना भी मैं ऊपर खाऊंगी, उसको नहीं बताना. उसको मैंने 12 बजे सरप्राइज देना कि मैं उसके घर पे थी. गाइस, हमारे पास टेप खत्म हो गई थी. हम दीक्षा के रूम पर टेप पे गए, आई थिंक उसको नहीं पता लगा. वो मंदिर से अगर आ गई है तो हमें बहुत चुपचाप काम करना पड़ेगा. और अभी हमारा वो जो हट हम बना रहे हैं उसका वो रेडी हो रहा है, देखो. सो लेट्स गो. हाय गाइस, तो अभी हमने डेकोर कम्प्लीट कर लिया है, और मैंने उसको टचअप भी दे दिए हैं. सो अब मुझे यहाँ पे बहुत मच्छर काट रहे हैं. तो मैं होपफुली दीक्षा के रूम में जाने वाली हूँ. मुझे आंटी का फ़ोन आया था कि मैं दीक्षा को नीचे बैठा रही हूँ, तो वो नीचे भी कपिल शर्मा देख रहे हैं. आवाज़ तो आ रही है मुझे. ऊपर 3 रूम्स में दो रूम्स में घूम रही हूँ. कैसे तो इसका जो भाई है, छोटा भाई या कला, वो मुझे या तो मरवा देगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है उसको इतना लग गया कि उसका कुछ भाई, छोटा भाई उसके लिए कुछ कर रहा है. कुछ ही ढूंढ लूँ कि मैं उसके घर पे हूँ. और मेरी से लड़ाई भी थी, तो मैंने सोचा चलो लड़ाई का फ़ायदा उठाते हैं, और ऐसे चैलेंज सा भी हो जाएगा एक थोड़ा. तो मेरे को ऐसा लगता है मैं इसके घर पे बोला चैलेंज कर सकती हूँ, हाइडिंग इन माय बेस्ट फ्रेंड्स हाउस फॉर 24 आवर्स. इसको कुछ नहीं पता लगता. अगर ये ऊपर नहीं आ रही तो इसको कुछ नहीं पता लगने वाला. वैसे भी मुझे कौन सा फ़ोन करती है इतना. तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे. तो डेकोर अभी हो चुका हुआ है, अब मैं इसके रूम में आके बैठ गई हूँ. अभी आंटी मुझसे खाना पूछ रहे थे, बट मेरे को था कि अगर खाना आंटी कुछ बनाएंगे, मैगी चाहिए कुछ भी, तो अभी तो मैं कुछ नहीं खा रही हूँ. मैं चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खाने लगी हूँ, मतलब कोल्ड ड्रिंक खाने लगी हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीने लगी हूँ, चिप्स खाने लगी हूँ. तो लाइट भी मैंने बाहर की कम ही ऑन की हुई है. सो अभी वो करते हैं एंड वेट करते हैं. जब वो आएगी 12 बजे तब मैं उसको सरप्राइज दूँगी. सक्सेसफुल मैंने 10:30 हो चुके हैं. गाइस, हम कब से सीढ़ियों में खड़े हैं, और अब मुझे भूख लग गई है. 11:30 हो रहे हैं. पकड़ी जाती 11:30. बस आधा घंटा रह गया, मुझे थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, यहाँ बैठना पड़ेगा. मैं लिजिट पकड़ी जाती. मैं सीढ़ियों में खड़ी थी और दीक्षा आ गई. अब मेरी मैगी नहीं बन रही है. आंटी ने बोला कि वो कनव के लिए बन रही है, जबकि वो डांट रही है कनव रोटी खा चुके हैं, उसको मैगी उखड़ा रही है. उसको नहीं पता मेरी नहीं बन रही है. दीक्षा यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठी हुई है, और वो उसकी वीडियो बनाने गया है वहाँ पे. मैंने उसको कह के बेटे वीडियो बना के लगी, वो कर कह रही है.
वो फोन स्क्रॉल कर रही है अपना, उसको कोई लेना देना नहीं है, मैं ऊपर यहाँ बैठी हूँ तो आपको कुछ नहीं पता रहा कि उसकी वीडियोज़ बन रही है और हम क्या कर रहे हैं। ऊपर नीचे हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, बंदे को शक पड़ जाता है यार, आई डोंट नो उसको। और अभी भी इतना नहीं, मैं अभी हमें 15 मिनट और वेट करना है, उसके बाद बुला लेंगे ऊपर। ओके गाइज, सो इट्स अ टाइम, 55 हो गए हैं एंड लेट्स गो। अभी इसका डेकोर रेडी है, डेकोर ना फाइनल डेकोर। कोई वो बना सकती है, उसको भी तो ये नहीं पता लगा कि मैं घर पे हूँ, तो लेट्स गो, उसको सरप्राइज देते हैं। गाइस, कनव दीक्षा को ऊपर लेके आ रहा है और मैं उसको यहाँ से देख पा रही हूँ धीरे धीरे। लेट्स गो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Diksha. Happy birthday to you. How are you? चार घंटे से. Thank you. आइए वे सोएंगे, आइए गद्दे लगा लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीक्षा, हैप्पी बर्थडे। अंकल उबासी मार रहे हैं। हाँ, दीक्षा की फ्रेंड ने उसके लिए कनाडा से केक भेजी है, मतलब वॉफल्स भेजी है उसके बर्थडे पे। सो क्यूट। हाय गाइस, हम चाय पीने जा रहे हैं, बज रहे हैं अभी 5। लेट्स गो हैव टी एंड मैगी। हाय गाइस, इट्स 5:30 और 6 नाउ, वी आर आउट फॉर गैरी एंड वी आर हैविंग मैगी। इट्स माय बर्थडे डेट। चाइस आर चाइस एज वेल। चीयर्स, चीयर्स विद चाय एंड मैगी। एंड approximately 10 hours later. Hi guys, तो अभी हम जा रहे हैं एक लॉन्ग रूट पे, हम जा रहे हैं निक बेकर्स। यहाँ पर नया निक बेकर्स खुला है। कहाँ पे खुला है दीक्षा? नियर हवेली। नियर हवेली खुला है तो हम वहीं जा रहे हैं और एक एड़ी भी हो जाएगी, स्क्वायर ऐसे कुछ करके नाम है उसका, जो भी नाम है मैं आपको दिखा देती हूँ। और अभी हम जा रहे हैं, हम फन करते हुए जाएंगे, गाने सुनते हुए। इट्स परफेक्ट बर्थडे फॉर बर्थडे गर्ल। बर्थडे गर्ल अपनी शक्ल दिखा दे। So we are going, guys. Goodbye. Let me drive now and have fun. Ta-da. Sandwich. No drive leads to French fries खाने। गाइस ये मार्केट बहुत अच्छी बनी है, सब कुछ है, 24 घंटे यहाँ और बनने लगा है। Starbucks, everything. यार मैं पता था हम दुनिया से बाहर रहते हैं, मैंने पहली बार आई यहाँ पे। बहुत सुंदर बना। दुनिया से बाहर है ना, एक्चुअली जो है दुनिया से बाहर है, मतलब अमृतसर से बाहर है, हवेली के पास। इट्स नाइस। हमेशा ऑर्डर बर्थडे का ऑर्डर। गाइस आवर कॉफीज आर हियर एंड द मार्गरिटा पिज़्ज़ा। कुछ और ऑर्डर करना ही पड़ेगा ब्रो साथ में। हाय गाइस, इट्स अ रैप नाउ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।